व्यक्तिगत टिप्पणी भी करेंगे तब भी सरकार में अगर ये लोग बने रहे तो ये स्पष्ट है भैया कुर्सी का लालच। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो, मेरी पार्टी के साथ भी सेम यही परिस्थितियां ठीक एक साल पहले हुई थी। इस तरीके की परिस्थिति तभी बनती है जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अपनों ने मुझे उस वक्त धोखा दिया था कि भाई गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, उसके बाद भी अगर ये दोनों घटक दल भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता एक दूसरे की नीतियों का विरोध भी करेंगे व्यक्तिगत टिप्पणी भी करेंगे तब भी सरकार में अगर ये लोग बने रहे तो ये स्पष्ट है भैया कुर्सी का लालच। सत्ता के लालच में ये दोनों एक दूसरे के नीतिगत इतने बड़े विरोधी होने के बावजूद अगर सत्ता में बने हुए हैं तो सिर्फ कुर्सी के लालच की वजह से। परिवार और पार्टी तोड़ने की बात कही, शिवसेना के भी अभी ये हालात है, बीजेपी पर ही आरोप लग रहा, क्या कहिएगा? तो भाई शिवसेना में जिस तरीके से हुआ साल भर पहले ठीक यही एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो, मेरी पार्टी के साथ भी सेम यही परिस्थितियां ठीक एक साल पहले हुई थी। बहरहाल आपने भारतीय जनता पार्टी पे पूछा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं किसी दूसरे या तीसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। पार्टी में ऐसी टूट या इस तरीके की परिस्थिति तभी बनती है जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अपनों ने मुझे उस वक्त धोखा दिया था, मेरे अपने अगर मेरे साथ उस वक्त खड़े रहते तो किसी तीसरे में हिम्मत नहीं थी मेरी पार्टी या मेरे परिवार को तोड़ सकते। वैसे ही शिवसेना में और शिवसेना के नेताओं के द्वारा भी ये कहा ही गया कि अब भाई उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया। भाई एकनाथ शिंदे जी लंबे समय से बाला साहेब जी के समय से वो शिवसेना में रहे हैं, उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। अब अगर उस धोखे का फायदा कोई तीसरा दल उठाता है तो आप उस तीसरे दल को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आपके अपने आपके साथ होते तो ये परिस्थिति नहीं। बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा? बिहार में भी यही भाई इसी तरह से चल रहा है। भाई जिस तरीके से मुझे नहीं पता पर ये टर्मिनोलॉजी मैं आप मीडिया के साथियों से ही सुनता हूँ, ऑपरेशन लोटस। तो अब ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में तो हम लोगों ने देखा है, क्या इसमें नीतीश कुमार भी पसंद? तो अब क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में होगा? हाँ। ये एक बड़ा प्रश्न है। उर्मी चेतना रैली सतीश जी ने की थी, नीतीश कुमार ने हाईजेक कर लिया था इनके कार्यक्रम को। कई ऐसे नाम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज अकेले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने ना, कई लोगों का योगदान रहा है, उनके कई पुराने मजबूत साथियों का, जिनमें से यकीनन आदरणीय सतीश बाबू भी उनमें से एक हैं। इन्हीं के योगदान से ये वहां तक पहुंचे। रेणु कुशवाहा जी जो पूर्व मंत्री हैं, यही सब लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मुझे खुशी इस बात की है कि आज इन तमाम लोगों का साथ और आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान के साथ। चिराग जी, आपने सात निश्चय योजना पर सवाल खड़ा किया है, वो तो कौन सी योजना है? भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना।